वही जब गौ माता प्रगटी, फिर साथ में बाद में लक्ष्मी भी प्रगटी, ज्येष्ठा भी प्रगटी। माता ख्याति ने इनका पालन करा, पर माता ख्याति देवी शंकर की उपासना थी, शिव की आराधना करती थी और 24 घंटे भगवान शंकर के मंदिर जाना, पूजन करना, अर्चना करना, स्मरण करना, ओम नमः शिवाय का पंचाक्षर मंत्र का जाप करना, स्मरण में डूबी रहना। माता ख्याति दोनों बेटियों का पालन करती, दोनों बेटों का पालन करती थी। चार बच्चे थे, लक्ष्मी ज्येष्ठा, ज्येष्ठा देवी बड़ी थी लक्ष्मी से, बड़ी बहन ज्येष्ठा जिसको लोग दरिद्रता कहते हैं, ज्येष्ठा, लक्ष्मी, दाता, विधाता, ये चारों बहन भाई का ख्याति देवी पालन करते। एक दिन माता ख्याति के मन में आया और माता ख्याति देवी लक्ष्मी जी की माँ ने विचार करा कि एक काम करती हूं कि मेरी एक बेटी मैं शंकर को दे देती हूं, मैं शंकर भगवान को प्रदान कर देती हूं। तो सबसे पहले माता ख्याति देवी जब भोलेनाथ जी के सामने पहुंची, शंकर भगवान की आराधना कर भगवान शिव से निवेदन करा, तो भोलेनाथ जी ने पूछा, अरे ख्याति कैसे आना हुआ? ख्याति देवी कहती हैं, भोलेनाथ बस आपसे निवेदन इतना है कि मेरी बेटी का पाणिग्रहण संस्कार में आपके साथ करना चाहता हूं। शंकर भगवान बोले, नहीं, मैं आपकी बेटी से विवाह नहीं कर सकता। क्यों? भगवान शिव कहते हैं, ख्याति देवी मैं आपकी कन्या को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, ये ज्येष्ठा देवी और ये लक्ष्मी देवी, ये आप किसी को भी दो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आप इनको रखो। ख्याति देवी ने कहा, नहीं प्रभु, आपको कुछ नहीं, तो एक कन्या तो आपकी सेवा में रख लो। भगवान शिव ने कहा, नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, अगर दरिद्रता को भेजना है आपको और दरिद्रता को मेरे चरणों में भेज रहे हो तो मैं इतना निवेदन जरूर करूंगा कि इस दरिद्रता को तो कोई भी लेकर नहीं जाएगा। एक काम करो, इसको गणेश जी जहां विराजमान होते हैं इसके ठीक पीछे इस दरिद्रता को छोड़ दो। इसलिए हिंदू धर्म में एक नियम है हमारा कि बिल्कुल फ्रंट दरवाजे पर, घर के बिल्कुल बाहर गणेश जी का कोई फोटो, गणेश जी की कोई मूर्ति घर के बिल्कुल बाहर नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रवेश करते समय तो आप गणेश जी का मुख देख लोगे, पर घर से निकलते समय घर गणेश जी के पीछे का हिस्सा का दर्शन होगा और उस दर्शन से दरिद्रता 24 घंटे आपके साथ चली जाएगी। 24 घंटा दरिद्रता आपके साथ निवास करेगी। यदि गणेश जी की मूर्ति आपने बाहर लगाई भी है तो गणेश जी की एक मूर्ति फिर आप अंदर भी लगाइए उसी साइड जहां से आप निकल कर जा रहे हैं, पर पीछे का हिस्सा गणेश जी का हमें दिखना नहीं चाहिए जाते से, वो श्रेष्ठता का सुख नहीं दे सकते। ख्याति देवी कहती, आप मेरी बेटी को रख लो। नहीं नहीं, हम नहीं रख सकते। आप एक बेटी का अगर विवाह करना चाहती हो तो निवेदन इतना करता हूं कि भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी का विवाह कर दो। लक्ष्मी का विवाह? हाँ, तो मैं भगवान विष्णु को लेकर आता हूं। और भगवान शंकर भगवान विष्णु को जैसे लेकर आए, इतने में मालूम पड़ गया ख्याति देवी की दोनों लड़कियों को, ज्येष्ठा देवी दरिद्रता को और लक्ष्मी को, कि आज भगवान विष्णु आ रहे हैं। तो दरिद्रता भगवान विष्णु को बहुत चाहती थी, लक्ष्मी भगवान विष्णु को बहुत चाहती थी। तो जैसे ही भगवान विष्णु का संबंध आया और भगवान विष्णु जैसे आकर बैठे, शंकर भगवान ने कह दिया, आपकी छोटी लड़की लक्ष्मी का विवाह हम भगवान विष्णु के साथ पक्का करना चाहते हैं। तो दरिद्रता को क्रोध आ गया।
दरिद्रता की आंखों में जल भर गए, दरिद्रता रोने लगी, दरिद्रता के नैनों में जल भरा गया और दरिद्रता के नैनों में जब जल भराया रो रो। लक्ष्मी जी ने पूछा, ज्येष्ठा दीदी तू क्यों रो रही है? ज्येष्ठा कहती है, लक्ष्मी तेरा विवाह पहले हो जाएगा और घर की बड़ी बहन बेटी रहे तो ये कहां की रीति है? लक्ष्मी जी ने कहा, तुम चिंता मत करो दीदी, अगर संबंध मेरा पक्का भी हो गया तो पहले विवाह तुम्हारा ही होगा। लक्ष्मी और भगवान विष्णु का संबंध पक्का हो गया तो लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा, जब तक मेरी बहन की शादी नहीं होती दरिद्रता की, तब तक मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। पहले मेरी बहन की शादी कर दी। भगवान विष्णु ने भोलेनाथ जी से कहा, ये दरिद्रता से कौन शादी करेगा? कौन ऐसा होगा जो दरिद्रता को घर में लेकर जाएगा? कौन ऐसा होगा जो दरिद्रता अपने घर के अंदर लेकर जाएगा? कुछ कृपा करिए। भगवान शंकर ने कहा, चिंता मत करो नारायण, सामने से दुसाहा मुनि निकल कर जा रहे थे, दुसाहा जी को रोका, दुसाहा जी जरा इधर आइए। दुसाहा जी बोले, बोलो भोलेनाथ। भोलेनाथ जी बोले, दुसाहा जी आप दरिद्रता से शादी कर लो। दुसाहा जी बोले, इस दरिद्रता को तो कोई घर में ले जाना पसंद नहीं करे, तुम कह रहे हो शादी कर लो। हे कौन दरिद्रता, कहां रहती है? भगवान शंकर ने कहा, माता ख्याति की लड़की है दरिद्रता, लक्ष्मी की बड़ी बहन है। जैसे लक्ष्मी सुंदर है वैसे दरिद्रता सुंदर है, लक्ष्मी से लाख गुनी सुंदर दरिद्रता देवी है, आप विवाह कर लो। भगवान दुसाहा मुनि ने कहा, कन्या तो देखी नहीं। भगवान शंकर ने कहा, चलो मैं दिखा के लाता हूं। और भगवान दुसाहा मुनि को लेकर ले जाकर जो दरिद्रता देवी को दिखाया, ऐसी सुंदर दरिद्रता, ऐसी सुंदर कि दुसाहा मुनि ने कह दिया, मैं विवाह के लिए राजी हूं। और दुसाहा मुनि और दरिद्रता का विवाह कर दिया। इधर नारायण और लक्ष्मी का विवाह कर दिया। जैसे ही दरिद्रता का विवाह हुआ, दुसाहा मुनि के साथ दरिद्रता देवी जैसे ही दुसाहा मुनि के आश्रम में जाने लगी, आश्रम में यज्ञ चल रहा था, ओम ब्रह्मवे स्वाहा, ओम विष्णुवे स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, यज्ञ चल रहा था। जिसे यज्ञ की आवाज दरिद्रता के कानों में पड़ी और दरिद्रता दुसाहा मुनि के घर में प्रवेश नहीं कर पाई, भाग गई, पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। पीपल के वृक्ष के नीचे दरिद्रता जाकर बैठ गई। दुसाहा मुनि ने कहा, दरिद्रता चलो घर में प्रवेश करो, यहीं तो रहना है आपको। दरिद्रता कहती है, सुनो दुसाहा मुनि, पहले घर में से पूजन बंद करवाओ, यज्ञ बंद करवाओ, अनुष्ठान बंद करवाओ। ये जब अनुष्ठान यज्ञ पूजन जहां होती है वहां दरिद्रता नहीं जाती है। इसलिए हिंदू धर्म कहता है कि घर में पूजन हवन यज्ञ अनुष्ठान दान सत्कर्म दीप लगाते रहना चाहिए। क्यों? दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। पहले ये बंद करो। दुसाहा मुनि ने कहा, ठीक है मैं बात करके आता हूं, तुम जब तक पीपल के पेड़ के नीचे बैठो। पीपल के पेड़ के नीचे दरिद्रता बैठ गई। इसलिए हिंदू धर्म में पीपल का पेड़ घर के अंदर नहीं लगाया जाता। दरिद्रता पीपल के नीचे बैठ गई और पीपल के वृक्ष के नीचे जैसी दरिद्रता बैठी, माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु मेरी बहन से मिले हुए बहुत दिन हो गए, चलो अपन मिलकर आते हैं। भगवान कहते और भगवान चले दरिद्रता से मिलने के लिए। लक्ष्मी जी मिठाई का डब्बा लेकर गई। जैसी दरिद्रता देवी को मिठाई का डब्बा दिया, इतने में तो दरिद्रता ने मिठाई के डब्बे को फेंक दिया और फेंक कर बोली, क्योरी लक्ष्मी मैं तेरी बहन हूँ, तुझे ये नहीं मालूम कि तेरी बहन को क्या पसंद है? इतने सालों से तू मेरे साथ में रह रही है और तू मेरा अपमान करने के लिए मिठाई लेकर आई है। लक्ष्मी जी कहती है, जीजी मुझे मालूम है तुझे खट्टा और तीखा पसंद है, तो तीखा खाती है, खट्टा तुझे पसंद है, मैं जानती हूँ। पर मैंने सोचा तेरी शादी हो गई है तो हो सकता है तू मीठा खाएगी, इसलिए मैं मीठा लेकर आ गई। फेंक दिया डब्बे को। अरे ओ लक्ष्मी,
अगर मेरे पास आना तो खट्टा और तीखा लेकर आना, मीठा नहीं। इसलिए हिंदू धर्म की रीति है, मिठाई का डब्बा घर के अंदर रखा जाता है, नींबू और मिर्ची घर के दरवाजे पर बांधी जाती है, दुकान के दरवाजे पर बांधी जाती है। क्यों मांगते हैं नींबू मिर्ची? कोई कहता नजर हटाने के लिए, कोई कहता नजर ना लगे इसलिए। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण की कथा कहती है कि लक्ष्मी और दरिद्रता इनका दोनों का नियम है। प्रतिदिन ये भ्रमण के लिए निकलती हैं, प्रतिदिन घूमने के लिए निकलती हैं। जिसके घर में मीठा रखा रहता है अंदर, दोनों बहनें सबके घर में प्रतिदिन प्रवेश करती हैं। अंदर जब जाने लगती हैं तो लक्ष्मी मिठाई के लिए घर के अंदर चली जाती है और दरिद्रता देवी दरवाजे पर नींबू मिर्ची मिलता है तो वहीं से खाकर बाहर लौट जाती है। अगर नींबू मिर्ची अंदर रखेंगे तो दरिद्रता प्रवेश कर जाएगा। इस नींबू मिर्ची को बाहर, इस नींबू मिर्ची को बाहर रखा, ये बाहर होना चाहिए। खट्टा और तीखा भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को देखा, लक्ष्मी और नारायण ने दरिद्रता देवी से कहा, सुन दरिद्रता, दुसाह मुनि आ गए प्रणाम करा। बाबा नारायण, आप प्रभु आप पधारे? हाँ। दुसाह जी कहते हैं, बताओ हम दोनों दरिद्रता और दुसाह कहाँ रहे? ये दरिद्रता देवी को मैं कहाँ लेकर जाऊं? भगवान विष्णु कहते हैं, सुनो दुसाह मुनि, इस पीपल के वृक्ष के नीचे आज शनिवार के दिन मेरा दर्शन लक्ष्मी के साथ हुआ है। पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार को लक्ष्मी और नारायण का वास होगा। 7 दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु और लक्ष्मी निवास करेंगे। 52,000 ब्राह्मण इस पीपल के वृक्ष के नीचे निवास करेंगे। इतने में दरिद्रता उठकर बोली, अपना अपना व्याख्यान करते हो, मैं दरिद्रता पहले से पीपल के पेड़ के नीचे बैठी, मेरा स्थान कहाँ है? मेरा स्थान कहाँ? भगवान विष्णु ने कहा, दरिद्रता मांग तुझे क्या चाहिए? दरिद्रता कहती है, 7 दिन में एक दिन रविवार पीपल के वृक्ष के नीचे मेरा वासा होना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, दिया। अगर दरिद्रता देवी कोई पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार के दिन आएगा, खाली हाथ आएगा, तो दरिद्रता उसके साथ उसके घर में प्रवेश करेगी। और अगर रविवार को भी कोई आया तो उसके हाथ में कोई आटा हो, चावल हो, जल हो, पानी हो, तो उसके साथ दरिद्रता प्रवेश नहीं करेगी। दरिद्रता ने कहा, ठीक है, ठीक, दरिद्रता रहेगी। दरिद्रता वहां निवास कर। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।